नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, अभी जहां देखिए आप लोग एक ही शब्द सुनाई दे रहा है, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के बारे में तो देखते हैं आखिर आत्मनिर्भर पंचायत से आत्मनिर्भर भारत तक का क्या सफर हो सकता है, इसमें क्या कमियां हैं और आत्मनिर्भर भारत की पंचायत की दिशा में क्या बदलते कदम हो सकते हैं। COVID-19 के दौर में विभिन्न पंचायतों की क्या हाल है, कैसे आत्मनिर्भर होंगी पंचायतें, किस तरह से हम लोग आत्मनिर्भर होंगे। वैसे आप लोगों को एक बात तो समझ में आ जाती होगी, यानी कि आज अगर 21वीं सदी में आत्मनिर्भर की बात की जा रही है, तो हम पहले आत्मनिर्भर नहीं थे। कहने का मतलब यही हुआ ना, आप लोग समझ रहे हैं ना, कि यानी कि आज अगर सुधार हो रहा है तो पहले सुधार नहीं हुआ होगा, इसी कारण आज सुधार किया जा रहा है। अभी एक आप चीन वाला मुद्दा सुन रहे होंगे, बहिष्कार की बात की जा रही है सामान की, आपने उसके बाद देखा होगा अभी जो भी नए फोन लॉन्च हो रहे हैं चाइना के, उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो देखिए, भावनात्मक रूप से आप लोग सही हो सकते हैं, लेकिन आप समझते हैं कि अगर पांच फोन में से पांच फोन है तो उनमें से चार चाइना के हैं, यानी कि आपके यहाँ अगर टोटल पांच फोन मान लिए जाए तो उनमें से चार फोन आपके चाइना की कंपनी के हैं, और जो एक फोन है उसमें कोई ना कोई पार्ट आपका चाइना का है। तो आप कहें कि पूरी तरह से खत्म हो जाए व्यापार, पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाए, ये नहीं संभव हो सकता है। कि आप लोग अभी तक देखिए जो भी बाइकआउट किए गए हैं, फिर देखिए चाहे आप उत्तर कोरिया को ले लीजिए, जापान को, अमेरिका ने इन पर भी प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी, उसके बाद रूस पर भी की थी कुछ समय, लेकिन अभी तक कोई सफल नहीं हुआ है। भावनात्मक रूप से आप लोग सोच सकते हैं अभी हर किसी में गुस्सा है, लेकिन संभव नहीं है। आप समझते हैं अभी सरदार पटेल की मूर्ति बनाई गई 3,000 करोड़ कितने की, ठीक है, जो भी है आपका 3,000 करोड़ की शायद। तो इसमें आपने अभी नरेंद्र मोदी साहब का इंटरव्यू सुना होगा, तो उन्होंने कहा है कि इसकी नक्काशी में जो भी खर्च आया है, जो भी इस पर मूर्ति की नक्काशी की गई है, तांबे की मूर्ति बनी हुई है, तो उसमें जो भी प्रोडक्ट है तो ये चाइना से लिया गया है, तो क्या आप उसे भी तोड़ देंगे, क्या आप फोन भी फोड़ देंगे, एलसीडी जो भी है आपके यहाँ वो भी तोड़ देंगे। तो आप समझे अगर कि विदेशी वस्त्र जलाना 1956 में गांधी के समय, तब बात अलग थी, तब हम किसी पर इतना निर्भर नहीं थे, भारत अपने आप पर निर्भर था, जो उत्पादन होता था उन्हीं से पहनता था, खादी से जो भी, उसे ना तो चाइना पर निर्भर रहना पड़ता था, ना ही अमेरिका, ना ही रूस, इस तरह के किसी देशों पर। तो उस समय की और अभी की परिस्थिति में जमीन आसमान का फर्क है, याद रखिए आप लोग, ठीक है। आप पेटीएम चला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इन सभी में चाइना का कुछ ना कुछ हिस्सा लगा हुआ है, ठीक है। तो पूरी तरह से बाइकआउट करना ना तो संभव आज तक हुआ है, ना ही हो सकता है। और आप ये सोचिए कि अगर सरकार प्रतिबंध लगा देती है, ठीक है, अगर बाइकआउट करना है तो सरकार पूरी तरह से बंद कर देना व्यापार, तो उसके बाद व्यापार ही नहीं होगा, तो आपको बाइकआउट करने की जरूरत क्या पड़ेगी। तो अभी भावनात्मक रूप से आप लोग दुख है, हर किसी को दुख है, इसलिए आप इस तरह के कदम उठा रहे हैं, उठाना स्वाभाविक भी है, ठीक है, लेकिन भावनाओं में बहकर ज्यादा कुछ मत तोड़ दिया देना। मालूम चला है कि इस COVID-19 के समय में वैसे भी फकीरी चल रही है, फिर फोन तोड़ के रख दें, उसके बाद मालूम चला कि दूसरा फोन लिया उसमें भी एक पार्ट चाइना का लगा हुआ है, तो उसे भी तोड़ के रख दें। भारत का 13 बिलियन यानी कि टोटल कुल आबादी में से लगभग 70% ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। हमारे पास शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतें देखने को मिलती हैं आपकी। सुशासन इन स्थानीय संस्थानों के प्रभावी कामकाज पर निर्भर करता है। भारत के विकास की राह पंचायत के विकास से ही होकर गुजरता है। अभी मैं आज ही किसी कवि को सुन रहा था, पता है, बोले मैं सरपंच बना दो बार से, बोले मैंने इतना विकास किया, बोले कि एक गांव में मकान बनवा लिया, बोले एक शहर में मकान बनवा लिया, बोले दो फोर व्हीलर गाड़ी खरीद ली, फॉर्चूनर खरीद ली, बोले मैंने इतना विकास किया सरपंच बनकर।
तो उसका कहने का मतलब आप लोग समझे कि सरपंच विधायक हो आपका एमपी जो भी हो वो विकास तो करता है लेकिन तुम्हारा नहीं, जनता का नहीं, खुद का विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। 5 साल जब तक दो रहता है तब तक अपना विकास भरपूर करता है। पर्चे देखते हैं, 2017 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पंचायत ग्रामीण भारत में लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का एक प्रभावी तरीका है। इसके पक्ष में पंचायतों के गठन आपका 1993 में जाकर पंचायतों को एक आपका कानूनी अधिकार मिला हुआ है, संविधान में जगह मिली हुई है। अगर गांधी जी होते तो आप सोचिए कि 1950 में ही जगह मिल जाती, क्योंकि पंचायतों के निर्माण में गांधी जी की भूमिका है। गांधी जी चाहते थे कि ग्राम पंचायतों का गठन हो। इसके अतिरिक्त पंचायत भारत के बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। गौरतलब है कि भारत सरकार समग्र प्रगति और जमीनी स्तर की भागीदारी के जरिए ग्राम उदय से भारत उदय को वास्तविक बनाने के लिए एक काम कर रही है। इन स्थानीय स्थानों के प्रभावी कामकाज पर ही सुशासन निर्भर करता है, इसलिए भारत का विकास पंचायतों के कार्य पर निर्भर करता है। भारत सरकार के अनुसार पंचायतों को आवश्यक शक्तियों और प्रावधानों के साथ सशक्त बनाने का निरंतर और व्यवस्थित प्रयास किया गया है ताकि वे प्रभावी और पारदर्शी तरीके से काम करें। आप लोगों को पता है, अभी दो फैक्ट बताता हूं आप लोगों को। अभी सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट लिख रहा है, जो भी लिख रहा है, नाम नहीं लूंगा, किसी का नाम लेना भी अच्छा नहीं है, ठीक है, कि चाइना के सामानों को रोक देना चाहिए, दुनिया के भाषण लिख रहा है अपना पूरा। पता है वही आदमी टिकटॉक यूज कर रहा है, तो समझ रहे हैं आप लोग। अभी आपने एक टीवी शो चल रहा था, उस पर एंकर होते हैं। अब एंकरों का ये हाल हो चुका है कि वो खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि यार देश की स्थिति है, तो खूब चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि बाइकॉट होना चाहिए, चाइना का सामान नहीं लेना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। उसी के नीचे स्क्रीन पर चाइना की कंपनी का प्रचार किया जा रहा है, यानी कि वहां से स्पॉन्सरशिप ली जा रही है, यानी कि उससे पैसा लिया जा रहा है प्रचार करने के लिए। यार भाई, जब मैं सुधरा हुआ हूं तभी मैं आपको सलाह दे सकता हूं कि ऐसा करिए। खुद शो में, अपने शो में, मतलब नीचे शो की नीचे जहां पट्टी लगती है ना, वहां आप प्रचार कर रहे हैं वहां की एक मोबाइल कंपनी का, चाइना की कंपनी का, और खुद क्या बोल रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो मैं यही बोल रहा हूं कि आपकी स्थिति अलग है, तो आप लोग इतने भी बहकावे में मत आइएगा कि अपने घर की टीवी मोबाइल सोबाइल फोड़ दें, क्योंकि बड़े लोगों को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब बड़े लोग, अब वो एंकर सोचिए कि एंकर खुद चला रहा है, खुद टीवी से हटवा देता, नहीं होता है ना। आत्मनिर्भर पंचायत की दिशा में बढ़ते कदम, 2014 में 100 से कम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन यानी कि डेटा की व्यवस्था थी, यह संख्या बढ़कर अब करीब 1.25 लाख हो गई है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल भी लॉन्च किया है, जो सरकार की ग्राम पंचायत विकास योजना को लागू करने के लिए एक एकल इंटरफेस होना होगा जो पंचायत की डिजिटल जरूरतों को पूरा करेगा। केंद्र सरकार के एक एप्लीकेशन के जरिए ग्राम पंचायतों की योजनाओं से लेकर ढांचे और सरपंच और पंचों एवं पंचायत सचिव के बारे में हर जानकारी एक जगह उपलब्ध होगी। ग्राम स्वराज एप्लीकेशन वर्क बेस्ड अकाउंटिंग पर केंद्रित है। इससे डीजीडीपी में प्रस्तावित प्रत्येक गतिविधियों की में किए गए खर्च का विवरण उपलब्ध होगा। पंचायत की गतिविधियां, कार्य का नाम, योजना का नाम, राशि, चुने गए वित्तीय वर्ष के लिए आमदनी और खर्च संबंधी सभी जानकारी मिल जाएगी इसमें। स्वामित्व योजना के तहत ग्रामों में यानी कि गांव में डॉन से एक एक संपत्ति की मैपिंग की जाएगी। इससे लोगों के बीच झगड़े खत्म हो जाएंगे, विकास कार्यों को गति मिलेगी, शहरों की तरफ इन संपत्तियों पर बैंक से लोन लिया जा सकेगा। अभी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित समेत 6 राज्यों में इस योजना को ट्रायल के तौर पर शुरू कर रहे हैं, फिर इसे देश के हर गांव में लागू किया जाएगा। 2019 में जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले भारत सरकार ने पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए उन्हें वित्तीय निर्णय लेने वाली शक्तियों से सशक्त किया है।
साथ ही निर्णय भी लिया है कि 73वें संविधान संशोधन के तहत स्थानांतरित सभी 29 विषयों के कार्यों को भी जम्मू कश्मीर की पंचायतों में स्थानांतरित कर दिया गया। इससे पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ियों जैसे बुनियादी संस्थान जम्मू कश्मीर पंचायत के नियंत्रण में रहेंगे। इसके अलावा पंचायतों की वित्तीय शक्तियों को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये, ब्लॉक परिषदों के लिए 25,000 रुपये से बढ़ाकर 2 से 5 लाख रुपये कर दिया गया। कोविड 19 के दौर में विभिन्न पंचायतें, पूरा देश इस वक्त कोविड यानी कि कोरोना वायरस के प्रकोप से जूझ रहा है। ना केवल डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ बल्कि आंगनबाड़ी और स्वच्छता कार्यकर्ता और स्थानीय सरकार के अधिकारी भी इस संकट की घड़ी में लगे हैं। कोविड-19 के खिलाफ इस पूरी लड़ाई में सबसे बड़ी चुनौती प्रवासी श्रमिकों और मजदूरों का मुद्दा रहा है, लेकिन एक बड़ी चुनौती इन श्रमिकों के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने में है, जिन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में अपने गांव तक पहुंचाने के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल की है। मेरठ जैसे शहरों में लगभग 20,000 प्रवासियों में से 600 ऐसे प्रवासियों की पहचान की गई है जो विदेश यात्रा से लौटे थे या फिर देश से लौटने वाले बालों के संपर्क में किसी ना किसी तरह से आए थे। ऐसे में लोगों के पूरे उत्तर भारत में लगभग 700 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए जिसमें 6,600 लोगों को निगरानी में रखा गया। इन स्थानों पर भोजन और आवास जैसी सुविधाएं ग्राम प्रधानों और पंचायत सचिवों द्वारा प्रदान की गई, जो यह दर्शाता है कि इस कठिन समय में भी सक्रिय रूप से पंचायत उपाय करने में लगी हुई। इससे पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका का विकास पर प्रकाश डाला जा सकता है। भगवान मेहरबान है इन पर, याद रखिए जो सरपंच ईमानदारी से काम कर रहा है बहुत बड़ी बात है, उनसे इसमें इंसानियत दिख रही है। वरना मैं तो देखा है ऐसे ऐसे सरपंचों को, करप्ट सरपंचों को, कि उनका अपना पेट भरने के सिवा उन्हें आज तक टाइम ही नहीं मिला है। हमारे देश में एक सरपंच ही ऐसा कि जो अपनी स्थानीय समस्याओं को जानता है फिर भी मुंह बंद रखता है, उसका मुंह कभी खुलता ही नहीं उन समस्याओं को लेकर, समझ में आए। अगर सरपंच अपना ईमानदारी से सचिव और सरपंच ईमानदारी से काम निभाए तो मुझे लगता है 80 से 85% समस्याएं खत्म हो जाएंगी हमारे देश की। लेकिन एकाध दो ऐसे मतलब गिने चुने सरपंच ईमानदार से अपना काम निभाते हैं। केरल में ग्राम पंचायतें हर दिन सामुदायिक रसोई के माध्यम से हजारों गरीब लोगों को खाना खिला रहे हैं, समझ रहे हैं। केरल इसीलिए विकसित है। और अभी यूपी का देखिए हाल, एमपी का हाल देखिए, बिहार का हाल देखिए। कर्नाटक ने पंचायतों को विकेंद्रीकृत किया है जिससे उन्हें काम करने के लिए पूर्ण लचीलापन मिलता है, साथ ही उन्हें प्रमुख विभागों के साथ जोड़कर सशक्त भी बनाए गए। हैरानी की बात नहीं है कि कर्नाटक लॉकडाउन के चौथे चरण में प्रमुख आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने वाले राज्यों में एक बन गया है। दूसरी ओर कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां अभी तक PRIS को संस्थागत रूप नहीं दिया गया। उदाहरण के लिए नागालैंड, मेघालय, मिजोरम जैसे राज्यों ने स्वायत्त ग्राम सभाएं चुनी हैं। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि भारत का प्रत्येक राज्य जिला और गांव जैसा नहीं है, जिसकी वजह से शासन का ढांचा भी भिन्न हो। कैसे आत्मनिर्भर होंगी पंचायतें आखिर आपकी? गांव से जुड़े नीतिगत फैसले में पंचायतों की राय जानना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा और कृषि में पंचायतों की भूमिका बेहद अहम है। आप लोग अभी देख सकते हैं क्योंकि लोग अब गांव की तरफ लौट रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, सूरत, गुजरात की तरफ से, तो आप सोच रहे हैं कि कोरोना का प्रकोप गांव की तरफ ही बढ़ रहा है, तो सरपंचों का इसमें बड़ा योगदान हो सकता है अगर वो क्वारंटाइन की सेंटर की व्यवस्था कर दे, हर व्यक्ति से पूछे कहाँ से आया है, इस तरह की व्यवस्थाएं अगर निपटाए तो एक हम लोग कोरोना की से लड़ सकते हैं बड़े स्तर पर। पंचायतों को और अधिक अधिकार दिए जाए, साथ ही नौकरशाही से भी मुत्थप रखा जाना चाहिए, इससे पंचायतों को फैसले लेने में सहूलियत मिलेगी। ग्राम सभाओं की आर्थिक स्रोत कैसे बढ़े, इस दिशा में भी योजना बनाए जाने की आवश्यकता है।
पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य योजना बनाने और इनके वित्तीय सशक्तिकरण हेतु पहल करना चाहिए। मजबूत पंचायतें आत्मनिर्भर गाँव का भी आधार है, इसलिए पंचायत की व्यवस्था जितनी मजबूत होगी उतना ही लोकतंत्र भी मजबूत होगा और उतना ही विकास का लाभ आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचेगा। इसके अतिरिक्त पंचायती राज से जुड़ी व्यवस्थाओं को आधुनिक बनाने के लिए निरंतर कार्य करने की आवश्यकता है। निष्कर्ष तक क्या कहा जा सकता है? स्थानीय निकाय संस्थाओं विशेष रूप से पंचायत को सशक्त करने में सार्वजनिक भागीदारी और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मजबूती मिलेगी। जैसा कि महात्मा गांधी ने अपने संबोधन में कहा था कि पंचायत भारतीय समाज की बुनियादी व्यवस्थाओं में से एक है, इसलिए जनता की राय स्थानीय मामलों में बेहद महत्वपूर्ण है। COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत को स्थानीय प्रशासन, नगरपालिकाओं, पंचायतों की भूमिका पर ध्यान देना चाहिए। आज हमारे पास लगभग 2,50,000 से अधिक पंचायतें, जिनमें से 31 मिलियन निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ 13 मिलियन महिलाएं प्रतिनिधि भी हैं। इसमें COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में सशक्तिकरण स्थानीय निकायों और पंचायत जन भागीदारी के माध्यम से महामारी के खिलाफ भारत की सफलता सुनिश्चित करती है। आपकी तीन मिलियन निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे, ठीक है, 1 से 3 मिलियन महिलाएं इसमें होंगी। जब हम आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात करते हैं तो हमें आत्मनिर्भर पंचायतों को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जब एक पंचायत आत्मनिर्भर बन जाती है तो यह न केवल आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करती है बल्कि शासन में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता भी सुनिश्चित करती है, जो आगे चलकर एक स्थिर और प्रगतिशील ग्राम व्यवस्था का निर्माण करती है। भारत को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की इस पूरे प्रयास में पंचायतों, स्थानीय निकायों को अधिक लोगों द्वारा संचालित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। जब प्रत्येक ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर बनेगा तभी आपका देश आत्मनिर्भर बनेगा। और इसमें यही कह सकते हैं कि जब हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेगा तभी देश आत्मनिर्भर बन सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो चलिए आगे आगे देखिए क्या क्या आत्मनिर्भर बनता है। बस आपको अपना ख्याल रखना है और अपने परिवार का, और इस तरह से किसी भी भावनाओं में नहीं बहना है कि बाद में आपको पछताना पड़े, ठीक है।